नमस्कार दोस्तों, मैं अरिजीत, आप सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे, टेक्नोलॉजी पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं, खुश हैं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक को लेकर मैं ये वीडियो लाया हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इस टॉपिक, इस वीडियो से आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि कैसे आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले कोई भी टाइम इंटरवल पे। ठीक है, कैसे आप अपने पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, कैसे कैसे कौन सा सेक्टर से स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो से मिलेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, ये डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले दोस्तों, इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करता हूँ। जैसे अगर आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनना हो, तो डेफिनेटली आपको उस लेवल का एक इंसान को अपना गुरु मानना होगा, उसको फॉलो करना होगा। जैसे गावस्कर जी हो गए, सचिन तेंदुलकर जी हो गए, ठीक है, उनके पाथ को, उनको, उनके साइकोलॉजी, उनके स्टाइल, जो भी बोलिए, उनके जो डिसिप्लिन आप फॉलो करेंगे, बिल्कुल अपना, अपने आपके पास अपना आइडिया, अपना टेक्निक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन वो उनको फॉलो करके जो आपको मिलेगा वो बेनिफिट है, वो ही ज्ञान है। ठीक है, ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा कोई बड़े गुरु से, गुरु से एक्चुअली, एटलीस्ट। उसके बाद अपन अपने तरीके से आप प्ले कीजिए, लेकिन ज्ञान आपको लेना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना हो, अगर सीखना हो, अगर आपको जानना हो, एनालिसिस करना हो, तो डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन को आपको फॉलो करना होगा जो इन इन विषय में मास्टर हो। ठीक है, एक नाम, जैसे बड़े नाम आपको बताता हूँ, झुंझुनवाला जी, ठीक है, आप उनको अगर फॉलो करेंगे, उनके स्ट्रेटजी, उनके साइकोलॉजी, वो ये स्टॉक में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर ये सब विषय पे आप रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। क्योंकि वो अगर कोई स्टॉक को बाई करेंगे, तो डेफिनेटली ऐसे हम लोग की तरह नहीं, अरे यार चलो बाय करके देखते हैं, एक महीना बाद बढ़ेगा तो प्रॉफिट ले लेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। वो इस तरह से नहीं करते, वो बहुत दूर के सोचते हैं और बहुत प्लानिंग से वो बाय करते हैं। ठीक है, तो वही दोस्तों, ट्रेंड लाइन एक वेबसाइट है जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ मेरा एक दो वीडियो में। काफ़ी अच्छा वेबसाइट है, इस वेबसाइट में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगे आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे सीखने के लिए, ट्रेडिंग के लिए। वैसे ही दोस्तों, एक ऑप्शन इसमें है सुपर स्टार करके, सुपर स्टार जो ऑप्शन है, इसमें जो बड़े बड़े 30 मार्क का है स्टॉक मार्केट के, उन सब के पोर्टफोलियो आपको इसमें दिखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वो कौन सा अपना पोर्टफोलियो को कैसे मेंटेन किए हैं, कौन सा स्टॉक को मेंटेन किए अपना पोर्टफोलियो में, और अगर नया कुछ खरीद रहे हैं तो कब खरीदे, सब कुछ आप देख सकते हैं। तो वैसे ही दोस्तों, सुपर स्टार में शेयर होल्डिंग पोर्शन पे आप जाइए। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये आपको सारे जो बड़े बड़े, जिसके देखिए जो पहले नाम है इनका, जो नेट वर्थ है देखिए 152 करोड़, ठीक है, 159 करोड़, इस तरह से काफ़ी बड़े बड़े, जैसे मैं झुंझुनवाला जी के देखे, राकेश झुंझुनवाला, ठीक है, 11,530 करोड़, ये इनके टोटल 30 कंपनी, जिस 30 कंपनी में वो इन्वेस्ट किए हुए हैं अपना, अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखे हैं। ठीक है, तो अब मैं आ गया, इनके पोर्टफोलियो पे आ गया दोस्तों। देखिए, एपटेक लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, ठीक है, ये सारे जो 30 स्टॉक है, टाइटन कंपनी, ये जो सारे स्टॉक है, ये कौन से स्टॉक पे कितने क्वांटिटी पे वो होल्ड करके रखे हैं, होल्डिंग परसेंटेज क्या है, ठीक है, टोटल होल्डिंग वैल्यू क्या है उस स्टॉक पे, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। अगर अगर आप सिर्फ इनके पोर्टफोलियो को ही फॉलो करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया है, तो ये जो जो परसेंटेज में,
अपना पोर्टफोलियो को मैनेज किए, सेम परसेंटेज में ये 30 स्टॉक पे आप अपना पोर्टफोलियो भी मेंटेन कर सकते हैं। इसमें कुछ भी बुरा चीज़ नहीं है दोस्तों कि मैं उनका पोर्टफोलियो क्यों फॉलो करूं, मैं अपना हिसाब से बनाऊं, बिल्कुल बनाइए। इसमें कुछ मतलब बात नहीं कि आप अपना नहीं बनाए, बिल्कुल बनाए। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में सीखने के लिए कैसे पोर्टफोलियो बनाते हैं, कैसे स्टॉक को पिक मेंटेन करते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे टाइम चाहिए, तो तब तक जब तक ना कि आप पूरी तरह से सीख जाते, आप कोई भी ऐसे जो बड़े स्टॉक इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हैं। आप उनको फॉलो करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करें, क्योंकि ये जो अपने जो होल्डिंग पे रखे हैं ये कोई ऐसे मतलब हम लोग की तरह सोच के नहीं रखे, बहुत ही दूर के सोच के रखे हैं ये, ठीक है। तो आप बेशक इनके पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हैं। और ये मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे 30 स्टॉक को ही बाय कीजिए, 30 स्टॉक में से कुछ 5 स्टॉक आपको ऐसा मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके साथ आपके थॉट के साथ भी मैच खा रहे हैं, आप उन 5 स्टॉक को पिक कीजिए, कोई बात नहीं। आप सिर्फ 1% के नहीं, आप टोटल टॉप 10% के, जो टॉप 10 इन्वेस्टर है, टॉप 10% के आप जो जितने भी कंपनीज हैं, ठीक है, आप लिस्ट कर लीजिए एक्सेल फाइल में कि ये इतने सारे कंपनी में ये इन्वेस्ट किए हैं। आप देख लीजिए कॉमन कंपनी कौन सा है, 10% के अगर कोई 5 भी कॉमन कंपनी आपको मिल जा रहे हैं जिसमें 200% इन्वेस्ट करें, आप उस 5 में इन्वेस्ट कीजिए। आप फिल्टर कर सकते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट का बेनिफिट देखिए, आप 10-30 मार्क जो है स्टॉक ब्रोकर स्टॉक इन्वेस्टर के उनके पोर्टफोलियो को एनालिसिस करके आप उन पे भी फिल्टर कर सकते हैं कि मुझे ये 5 ही स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। ये इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट से मिलते हैं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है जहाँ से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मेंटेन कर सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप होल्डिंग के वैल्यू के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे कि मैक्सिमम जो होल्डिंग है उस स्टॉक में पहले रखना, तो देखिए 5,729 करोड़, ठीक है, ये आपके टाइटन पे है दोस्तों। अब आपको सिर्फ ये नहीं कि ये टाइटन पे इतना है तो चलो टाइटन पे इन्वेस्ट कर देते हैं दोस्तों, मे भी ये जब टाइटन पे इन्वेस्ट किए थे या जब से करते आए थे तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दे चुका है ऑलरेडी। अभी अगर टाइटन थोड़ा गिरता भी है तो मे बी इनके उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप ऑनली टाइटन पे भरोसा रख के अगर पूरा पैसा अपना इन्वेस्ट कर दिए, अगर वो 1-2 साल के लिए गिरता है तो फिर आप फंस जाएंगे। वो नहीं फंसेंगे क्योंकि उनको ऑलरेडी, अगर मान लीजिए वो 10 साल पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं तो ऑलरेडी वो प्रॉफिट कमा चुके हैं इस कंपनी से जितना कमाना है, तो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 2 साल डाउन होगा या 3 साल डाउन होगा, प्रॉब्लम आपका हो जाएगा क्योंकि आप अभी करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ देख के भी इनके ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनी के चार्ट को आप देख लीजिए, ये चार्ट की ट्रेंड को आप देख लीजिए, ये सारी चीज़ को देख के आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज कीजिए। मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, जैसे आप 10% को पहले लिस्ट कीजिए, टॉप 10% उनके पोर्टफोलियो को आप लिस्ट कीजिए कि कौन सा पर्सन कौन सा कंपनी रखा है, ठीक है। मान लीजिए एक पर्सन ए 50 कंपनी पे इन्वेस्ट किए हैं, पर्सन बी 40 कंपनी पे इन्वेस्ट किए, इस तरह से 10 लिस्ट बना लीजिए एक्सेल फाइल में। अब देखिए उनमें से कॉमन सा है, आप कॉमन को आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब मान लीजिए टोटल 10 कंपनी आपको कॉमन मिले हैं, जो 10 कंपनी में ये सारे जो बड़े इन्वेस्टर हैं इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कीजिए दोस्तों, उन कंपनी को अपना वॉच लिस्ट में डालिए और उनका चार्ट ओपन कीजिए। आप चार्ट पे देखिए, लॉन्ग टर्म पे देखिए, शॉर्ट टर्म पे नहीं, एटलीस्ट आप इनको 3, 4 या 6 महीना तक रखने का सोचिए, ठीक है। उससे पहले अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है तो आप निकल सकते हैं, वो अपना अपना स्ट्रेटेजी पे है दोस्तों। तो अब ये जो कंपनी आपको 10 कंपनी मिला है, ये 10 कंपनी में आप इनके चार्ट को देखिए कि ये चार्ट अब किधर मूव करने वाला है या कर रहा है। अगर ये बेयरिश ट्रेंड है इन 10 कंपनी में से, मान लीजिए 4 कंपनी ऐसे मिले जो बियरिश ट्रेंड है, उनको आप छोड़ दीजिए, जो बुलिश ट्रेंड पे है आप उनको बाय कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वो जो 4 कंपनी जो अपना बियरिश ट्रेंड को छोड़ के फिर से बुलिश पे आएगा,
तो आप फिर उसको बाय कर लीजिए। तो मतलब ये 10 कंपनी को अपना वॉचलिस्ट में रख लीजिए, ये एक स्ट्रेटेजी से आप बाय कर सकते हैं। दूसरा है कि आप कोई भी एक बड़े इन्वेस्टर को फॉलो कीजिए, जैसे झुनझुनवाला जी को ही फॉलो कीजिए, ठीक है। उनके 30 कंपनी जो है अपना वॉचलिस्ट में डाल लीजिए, फिर देखिए दोस्तों उन 30 कंपनी में से कौन सा स्टॉक जो कि उनका मूवमेंट आपको अच्छा दिख रहा हो, ठीक है, जो उनका मूवमेंट आपको बुलिश में दिख रहा हो, एक अच्छा टाइम फ्रेम में उनका मूवमेंट आपको बुलिश दिख रहा हो, आप बाय कर लीजिए। मान लीजिए 30 में से आपको 15 कंपनी ऐसा मिल गए जो अभी बुलिश ट्रेंड में जा सकते हैं या जाना जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, अपना बेरिश ट्रेंड को छोड़ के बुलिश में जाने की सोच रहे हैं, आप बाय कर लीजिए। और 15 कंपनी ऐसा आपको दिख रहा है जो मे बी आप बुलिश में जा सक ऑलरेडी बुलिश में है, बेरिश में जा सकता है या बेरिश में जा रहा है, तो उस कंपनी में आप थोड़ा सा वेट कर जाइए। जब वो सब कंपनी में से जब जब कोई कंपनी अपना बुलिश ट्रेंड को पकड़ेगा आप बाय करते रहिए। मतलब आप अपना प्लानिंग अपना स्ट्रेटेजी से बाय कर सकते हैं। आपको 30 अच्छा कंपनी मिल गए, क्योंकि मान लीजिए अगर झुनझुनवाला जी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत सोच समझ के कर रहे हैं, बहुत रिसर्च करके कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो ऑलरेडी बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने तरीके से रिसर्च ना करें, बिल्कुल करें। अपना स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, किसी को भी आप फॉलो कीजिए, आप कीजिए स्टडी उस पर। लेकिन अगर आप ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप ये सब इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ये साइट से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों इस पूरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर डेफिनेटली कीजिएगा, और मेरे चैनल को डेफिनेटली फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।